अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई। चिकन कढ़ाई के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं बताती हूँ आपको। पहले हमें चाहिए 1 kg चिकन, 4 अदद प्याज जो मैंने काट के रख लिए हैं, इतना सा लहसुन चाहिए और 6 से 7 हरी मिर्चें, टमाटर, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा अदरक। धनिया हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टी स्पून हल्दी, 1 टी स्पून दादरी मिर्च, 1 टी स्पून नमक, 1 टी स्पून सूखा धनिया एंड 1 टी स्पून ये चाहिए हमें ज़ीरा और 1 बड़ी इलायची और कुछ दालचीनी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे प्याज और लहसुन को गलाने के लिए हम इसे प्रेशर कुकर में रख देंगे। हरी मिर्च, टमाटर और अदरक को हम पेस्ट बना लेंगे कुछ। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, 1 से 2 चम्मच, मतलब बड़े वाले सालन वाले चम्मच जो होते हैं वो डालेंगे, क्योंकि हमने चिकन को फ्राई करना है, कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा लगता है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दालचीनी और ज़ीरा, ये जो गर्म मसाले हैं ये हम ऑयल में ऐड कर देंगे सारे, ठीक है। और साथ ही हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। और इसको तेज आंच पर हम फ्राई करेंगे, ठीक है। ये देखें गोश्त के कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ऐसे हम इसे फ्राई करते रहेंगे, 5 से 6 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर हम जो प्याज और लहसुन को हमने गलाया है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। ये जो अब हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था पहले हम इसके अंदर वो शामिल करेंगे। अब इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे हम और इसके साथ हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। बस 1.5 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून दादरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक और ये सूखा धनिया जो है 1 टीस्पून ये हम लास्ट में ऐड करेंगे और थोड़ी सी काली मिर्च है ये हम इसके अंदर अब ऐड कर देंगे। इसके अंदर हमने सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं। अब इसकी हम 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करेंगे तेज़ आँच पर। 5 से 10 मिनट तक भुनाई करने के बाद ये देखें अच्छी तरह भुनाई हो गई है और हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखें हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। अब इसको हम गार्न, इसके अंदर हम पहले डालेंगे सूखा धनिया। फिर इसके ऊपर डालेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च और लेमन। यह है इसकी फाइनल लुक। आई होप सो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।